शाही गोलगप्पे आ चुके हैं और ईमान से ऐसे गोलगप्पों का स्टाइल मैंने पूरे पाकिस्तान में ना पहले कहीं खाया ना कहीं देखा है। तुम लोगों ने देखा या खाया हो? नहीं दोने भाई, कैसा लग रहा है? पहली दफा देखा है, फ्रूट ऊपर डला हुआ है। इतना हैवी स्टाइल है, इतने कलरफुल गोलगप्पे नीचे, मतलब पूरे एक प्लेट में कितने 12 हैं कितने? अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात, शपैक टीवी की तरफ से आपका मेज़बान रहे एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। और मेरे साथ हसन है, क्या हाल चाल है? हम लोग कहाँ पे पहुँच चुके हैं? हम गुजरात पहुँच गए। हम फाइनली पहुँच चुके हैं गुजरात। बड़े अरसे से मैं प्लान कर रहा था कि गुजरात का फूड टूर कब होगा, आज गुजरात, क्योंकि पिछली वीडियो अगर आपने देखी है तो हम लोग लाला मूसा थे। ये जीटी रोड के ऊपर ही शहर है लाला मूसा, गुजरात, गुजरात की तहसील ही है लाला मूसा मेरा ख्याल है, गुजरात ये डिस्ट्रिक्ट है जीटी रोड के ऊपर ही। यहाँ पे हम आज पहुँच चुके हैं, यहाँ खाने शाने खाएंगे, निवा किस्म के मज़ेदार यहाँ पे जो जो हमें चीज़ें मिलती रहेंगी। यहाँ पे कोई गोलगप्पे, शाही गोलगप्पे कोई बड़े मशहूर हैं, टक्की का दूध एक बड़ा मशहूर है। मैं सबसे ज़्यादा पूरे गुजरात अपना जो ये मेरा टूर है आज का, इसमें सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं टक्की के दूध के लिए, क्योंकि मैंने गुजरांवाला में एक दूध पिया था, उसका नाम मुझे अब याद नहीं है, तो वो लोग बोलते थे कि वो अगर तुम्हें पसंद आया तो गुजरात वाला उससे 10 गुना और ज़्यादा मज़ेदार है। और यहाँ पे कोई 3-4-5 चीज़ें जो भी हमें मिलती जाएंगी वो हम खाते पीते जाएंगे। मौसम मज़ेदार हुआ है, आपको मेरे पीछे सारा ये बादलों का निज़ाम नज़र आ रहा है, सितंबर की ज़रा हल्की हल्की ठंडी सी आज सुबह है। और टाइम हुआ है 9:03, हमने निकलना 8 बजे था लेकिन हम लोग 9 बजे उठे हैं अभी सो के, अब जा रहे हैं खाना पीना खाने। गुजरात के अंदर पहली चीज़ जो मैं खाने हूँ वो ये पीछे आपको नज़र आ रही है इस तरफ, ये तलहा नाश्ता सेंटर, यही नाम है, हाँ तलहा नाश्ता सेंटर। गुजरात में जो हमें रिकमेंडेशंस मिली उनमें एक तो ढक्की का दूध बहुत ज़्यादा लोगों ने कहा, और वो तो मैं अपने दिल से वैसे भी मैंने पीना है, इसकी मैंने बहुत तारीफ़ सुनी है, लोग बार बार जो है वो कह रहे हैं कि अगर आप गुजरात के अंदर आए हैं और आप तलहा नाश्ता सेंटर का नाश्ता नहीं करते, मतलब छुट्टी वाले दिन जो है गुजरातियों की इस नाश्ते के बगैर सुबह नहीं होती। तो यहाँ पे हैवी सीन लगा हुआ है, मतलब एक तरफ उन्होंने बड़े बड़े पतीले रखे हुए हैं, वो चने हैं उसके अंदर पाए हैं, कोफ्ते, अंडे, फलाने टिमकाने, एक तरफ बाहर जो है वो उन्होंने बाहर खूबसूरत सा जो है ना वो हलवा पूड़ी का एक स्टॉल लगाया हुआ है। बड़ा हैवी सीन है, लोग थोड़ा धड़ जो है वो नाश्ता ले रहे हैं, मोस्टली लोग यहाँ पे खा रहे हैं, मोस्टली पैक करवा के लेके जा रहे हैं घर वालों के लिए। बहुत अच्छा नाश्ते का जो एक नाश्ता सीन होता है एक्चुअल, वो वाला सीन यहाँ पे लगा हुआ है। अभी अंदर माहौल चेक करते हैं कि है क्या सीन। तीन पिंड चने किचन में क्या सीन चल रहा है? बहुत हैवी सीन, बहुत हैवी। ये मेरे पीछे ये सारे किचन के अंदर जो माहौल चल रहा है भाई, इतना क्रेजी किस्म का यहाँ पे सीन है। वो काम ऐसे कर रहे हैं जिस तरह मशीनें चल रही होती हैं, बंदे इतना तेज तेज काम कर रहे हैं क्योंकि ऑर्डर बहुत तेज़ी से आ रहा है। हम लोग इससे पीक टाइम पे आए हैं, ये इस तरफ सारी जो है वो पूड़ियाँ इन्होंने मेरे ऊपर, मैं पास कैमरा लेके गया, वो भाई ने मेरे ऊपर तेल गिरा दिया, गर्म गर्म पूड़ी का पर्चा करा दूँ। खैर यहाँ पे इस तरह अंदर चने और हैवी किस्म का सीन है, भूख बहुत लगी हुई है, अब खाना खाते हैं। भाईजन क्या क्या मिलेगा नाश्ते में टैट किस्म का? भाई टैट में हमारे पास छोटे बड़े पाए हैं, ठीक है, कोफ्ता चने, अंडा चने, हलीम है और हलवा पूड़ी। हाँ एक प्याला पड़ेगा पाए, ठीक है, एक हलवा पूड़ी, एक सादा चने, एक कोफ्ता चने, ये टैट करके ले और साथ 4 लस्सियाँ बेहतरीन। ये
ये हलवा पूरी है, ये हलवा पूरी के साथ चने और हलवा है, ठीक है, और ये कोफ्ता चने हैं, ठीक है, ये बड़े पाए हैं, और ये अंडा चने। ओके हो गया, नाश्ता हमारे सामने आ चुका है। एक मैंने मंगवाए हैं बड़े पाई का प्याला, साथ में एक जो है वो कोफ्ता चने, एक साथ में अंडा चने और एक हलवा पूड़ी। पूरा जो पैकेज होता है उसमें दो पूड़ियाँ होती हैं, पूड़ियों का जो वो चने होते हैं उसमें थोड़ा थोड़ा इन्होंने चिकन डाला हुआ है और साथ में हलवा है। और ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ऐसा नाश्ता मतलब बड़ा यूनिक स्टाइल है, जिस तरह अक्सर आपको दरबार नाम के रेस्टोरेंट्स के अंदर हांडियाँ मिलती हैं, उस तरह एक शाही सा माहौल बना के इन्होंने नाश्ता दिया हुआ है। और नाश्ता वाकई में देखने में नाश्ते ऐसी चीज़ें की शक्ल से आपको बता देता है। मैं जब सुबह उठा हूँ तो मुझे वो सामान ने बताया जी एक नाश्ता करने जाना है, मैं बिल्कुल एक्साइटेड नहीं था क्योंकि मुझे लाहौर के अलावा कोई एक दो और शहरों के अलावा नाश्ता कभी मेरा एक्सपीरियंस नहीं अच्छा होता ही नहीं है। तो आज ये नाश्ता देख के मुझे लग रहा है कि क्लास है ये, अभी खा के बाकी पता लगेगा। पहले क्या चीज़ खानी चाहिए हैं? पाए, पहले मैं ट्राई करूँगा पाए। हाय हाय हाय, नान अच्छा नहीं है, मतलब खाने में शायद अच्छा हो, कलर में नान बहुत ही वाइटिश है, नान ज़रा लाल है, हमें मदरे कुलचे टाइप होने चाहिए। ने पाए जो एक नस्ली पाए होते हैं बड़े डार्क ब्राउन से, वो वाला इसका कलर है। और ये गर्मा गर्म नान तोड़ के हम लगाएंगे साथ में पाए। ओहो, तरी फुल तरी ऊपर, और तरी के ऊपर जिस तरह वो चिपकू चिपकू हुआ होता है ना, एक नस्ली पाए की निशानी। वेरी गुड पाए भाई, वेरी गुड पाए भाई, इंतहाई मज़ेदार पाए। एक जो मतलब पाए के अंदर जो चिपक होती है, जिस तरह से एक ऑथेंटिक पाए होते हैं, बड़ा डार्क ब्राउन सा शोरबा और प्रॉपर जो एक वो पाए की फील जिस तरह होती है, बाहर अक्सर मिलता है वो पानी होता है, फ्लेवर नहीं होता या वो चिपक नहीं रहे होते, वो पाए में ये जंबो किस्म के पाए। वो खा शुरू कर, इंतज़ार नहीं करते, रोटियां मुक जाती हैं। हसन से पूछते हैं, हसन को कैसे लगे हैं? अभी शोरबा ट्राई किया, शोरबा तो बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा वाकई में। मतलब जिस तरह अगर लाहौर में भी, इवन मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, लाहौर में भी मुझे आज तक सही पाए नहीं मिले। मैं हाँ मतलब बोंग पाए जो हैं वो लाहौर पे एंड है, नासिर के बोंग पाए, बारिस किनारी, वो बीफ के अंदर वो जिस तरह चीज़ें होती हैं। पाए जो है असल बड़े के पाए कमाल कर दिए यार, जिस तरह घर के अंदर आपको मज़ेदार पाए मिलते। ओहो, चाल में ऐसे बीफ के बोटे दिए मैं, ओह बीफ के पीसेस पाए, वाह यार कमाल। मतलब जब पाए अच्छे हों मेरे सामने तो मेरे लिए चने की कोई वैल्यू है नहीं, लेकिन ऑब्वियसली ट्राई करना है क्योंकि पाए ने मेरे चने अक्सर जगह पे अच्छे मिल जाते हैं, पाए अच्छे नहीं मिलते। अगर पाए अच्छे हैं तो चने किस लेवल के होंगे वो ट्राई करते हैं। मैं पहले ट्राई करूँगा कोफ्ता चने, शक्ल से बता रहे हैं कि भाई लेवल के चने। पहले लस्सी पी ली जाए, ओए होए होए यार कमाल चीज़ यार। सही लोग बार बार कह रहे थे कि यहाँ पे लाजमी जाना कोफ्ता चने, ये होती है कोफ्ते की ये, मतलब अक्सर आप कोफ्ता तोड़ो अंदर आपको कीमा नज़र आता है, ये प्रॉपर अंदर से जमा हुआ कोफ्ता है और साथ में इसके चने लगा के तरी वाले लाहौरी स्टाइल चना है, लेकिन लाहौर से थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इन्होंने चनों के अंदर जो है ना वो श्रेडेड चिकन डाला हुआ है और वो देखने में मज़ेदार लग रहा है। ओ भाई काली मिर्च वाले चने और मज़ेदार चिकन कोफ्ता है, और कोफ्ते का टेस्ट सेम ऐसा जितना आपके घर में कोफ्ता बनाओ, बहुत ही क्लीन सा सारा नाश्ता, इतना साफ सुथरा और मज़ेदार है। अंडा चने भी बहुत सेम चने हैं, इनको अभी ज़रा मैं बाद में इनकी तरफ आता हूँ। पूड़ियाँ फड़ा दें मुंडे, एक बार पूड़ियाँ फड़ा दें, पूड़ियाँ आई साथ में कटोरे में पूड़ियों के चने। पूड़ी मेरी थोड़ी सी ठंडी हो गई है, लेकिन जब मेरे सामने पाए हूँ मैं बार बार बता रहा हूँ, मेरे लिए फिर पूरे नाश्ते में कोई चीज़ पाए निहारी। ओहो, बहुत अच्छा नाश्ता है। पूड़ी बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं है, नॉर्मली ऑयली है और ज़रा फ्लफी सी पूड़ी है, साइज़ में भी बड़ी है मगर अक्सर जगह बहुत छोटी पूड़ी होती है। अच्छा मज़ेदार ये सीन है, साथ में इनका हलवा मैं ट्राई करूँगा। ओह यार, लाहौर के बाद कराची में एक नाश्ता किया था, बहुत अच्छा लगा था, बहुत रेयर होता है कि कहीं नाश्ता मुझे अच्छा लगे, ये नाश्ता लीक है, बहुत मज़ेदार सीन नाश्ता ओवरऑल मज़े के। काली मिर्च वाले चने उनके अंदर प्रॉपर आपको काली मिर्च की फील आती है, साथ में श्रेडेड चिकन आता है, तरी मज़ेदार सीन। लेकिन
पाए पे गेम एंड है ऑनेस्टली। बड़े के पाए आपको कोई 100 में से कोई एक केस होता है जब बड़े के पाए आपको बाहर से अच्छे मिल रहे हैं, बहुत अच्छे पाए। ये था पाए का लेवल भाई। बिल कितना हो गया भाई? 1330 रुपए टोटल सारी चीजों के। ये एक छोटू से भाई मुझे मिलने हैं, क्या नाम है आपका? युशा। क्या? युशा। ओ, बड़ा यूनिक सा नाम है। आप गुजरात से ही हो? नाश्ता लेने आए हो? नहीं नहीं। फिर मैं ऐसे घूम रहा था, मुझे आप नजर आ गए, मैं तो बड़ा खुश हो गया। थैंक यू यार। ओके, अल्लाह हाफिज़। राम प्यारी महल गुजरात की एक नुमाया तारीखी इमारत है। 1918 में इस इमारत की तामीर उस वक्त के मारूफ ठेकेदार राय बहादुर सुंदरदास चोपड़ा ने अपनी दूसरी बीवी राम प्यारी की रिहाइश के लिए करवाई। हम लोग आ चुके हैं भाई गुजरात में, पाकिस्तान चौक में। गुजरात की हवा में व्यापार है साहब। अभी ये गली के अंदर सूफी कबाब वाले हैं, कोई मशहूर है यहाँ पे, कि बोले सूफी कबाब लाजमी खाने, उनको हम ढूंढते फिरें और ये गली की वाइब चेक करें। ओए खूबसूरत, अभी वो सामने नज़र आ रहे हैं हमें सूफी कबाब वाले, वो जाके चेक करते हैं सीन है क्या उसका। कबाब के बारे में, कबाब हम बनाते हैं और बेचते हैं, खुद भी खाते हैं, लोगों को भी खिलाते हैं। तकरीबन हमारे बड़े जो उनसे हैं 35-40 साल हो गए हैं वो कर रहे हैं ये कारोबार। शुरू से इसी बाजार में? इसी बाजार। क्या जो जगह क्या है खास? ये शीशा में दरवाज़ा चौंक है और मोती बाजार कहलाता है। तो कबाब कौन कौन से हैं? कबाब हमारे पास सिर्फ ये कबाब ही होता है, बड़े गोश्त के। बड़े गोश्त तो कीमे वाला नान होता है, सिर्फ एक ही आइटम। तो ये वैसे कितना कबाब दिन में निकल जाता है? तारीफ बड़ी सुनी है। तकरीबन यही 30-40 किलो जो उनका ना कीमा वो हमारा। जी जी अंकल जी, चार बंदों के लिए हम कितने कबाब करवा लें अंदाजन? मैं तो बहुत खा लेता हूँ, लेकिन वैसे आप बताएं। हमारे पास ढेर लगा हुआ है, हम देते जाएंगे। आठ कबाब काफ़ी है एक दफ़ा? ठीक है, आठ कबाब कर दें और ये चार कीमे वाले नान कर दें। आज भाई बनाएगा सूफी के कबाब। हाँ जी, ये हो गए आज से सूफी आ रहे थे इसके कबाब। अंकल जी ये मैं खुद ही खा लूँ अपने बनाए हुए, कोई और तो खाएगा नहीं। मैं ये सूफी कबाब की बैक साइड पे आ चुका हूँ, अंदर से ये एक्चुअल मुँह चुई टिड़खुई वाला हिसाब है। फ्रंट से मुझे लग रहा था कि सिर्फ एक तवा पड़ा और कबाब बन रहे, अंदर बड़ा सा एक हॉल है लोगों के बैठने के लिए, ऊपर भी जगह है, अंदर से काफ़ी बड़ी है जगह। पीछे ये पूरा तंदूर है, यहाँ पे लग रहे हैं कीमे वाले नान। ये इस तरफ ये सारा बाज़ार है, मतलब आपको बाज़ार की वाइब आ सकती है। आज संडे है, लॉकडाउन है, जिसकी वजह से बाज़ार बंद है। तो ये एक पूरा जो है वो जितना पेड़ा होता है आटे का, उतना ही पेड़ा होता है कीमे का। वो कीमे को आटे के पेड़े पर रख के और उसको इस तरह प्रेस करके जो है ना वो बड़ा सा बना देते हैं, मतलब कीमे की क्वांटिटी बहुत हैवी है, वो देख के पता लग रहा है। तो खाने में जो मज़ा है ना, ओहो हो हो, चस आ जानी। कबाब हमारे साथ में कीमे वाले नान, बेहतरीन सीन। सूफी के कीमे वाले नान और इस कीमे वाले नान की फील आपको समझ आ सकती है। इतना ये भरा हुआ है कीमे से, मतलब जितना पेड़ा होता है आटे का उतना ही पेड़ा कीमे का। साथ में हमने 8 नान मंगवाए हैं, साथ में इन्होंने रायता दिया है थोड़ी थोड़ी, उसमें मुझे लगता है मीठी या खट्टी चटनी डाली, खा कर पता लगेगा। सबसे पहले तो मैं ये नान वैसे ही जो है ना इसको तोड़ूंगा दरमियान से। 8 कबाब, 8 कबाब, 8 नान। अच्छा चलो, मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया ये। ओए होए होए होए, ऐसे लग रहा है कि मैं मतलब एक बर्गर को खोल रहा हूँ जो कीमे से भरपूर है। आहा, वजन बहुत ही गर्म। मैं पहले ऑलरेडी नान डबल है, मैं उसको और डबल करके बाइट ले रहा हूँ। यार नान ठीक है, अच्छा नान है, एक
अंदर जिस तरह कीमा डाला हुआ है बीफ का, मज़ेदार है क्वांटिटी की कीमे की बहुत है। अच्छा एक नान की फिर जैसे मैं कबाब अब इनके खा के देखता हूँ। ये कबाब वेरी डार्क ब्राउन और अंदर से ज़रा लाइट ब्राउन, और मतलब मोटा सा कबाब है, छोटा सा साइज़ है, वेरी मसालेदार कबाब। हम देंगे हसन को ट्राई कर। हसन को कबाब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बीफ के कीमे को अपने उन्होंने मसाले प्रॉपरली उसको मैरिनेट करके और तवे पे अच्छी तरह से फ्राई किया हुआ, तवा फ्राई, वो तवा फ्राई की एक फील प्रॉपरली है। लेकिन लग ऐसा रहा कि मसाले यार बड़े तेज़ हैं, बात तो सानू ख़राब ना करन। नमकीन सा ज़रा और स्पाइसी सा टच इसके अंदर है, मज़े की एक चीज़ है। अच्छा अगर इसके साथ मैं ये भी खाऊं और कीमे वाला नान भी खाऊं, है और ओ मज़ेदार कॉम्बिनेशन। हालांकि नान के अंदर भी यही चीज़ है, लेकिन इसका जो क्रिस्प है उसकी वाइब एक अलग है, डिफरेंट टेस्ट है। काफ़ी बाहर से ना बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं है, एक अच्छा क्रिस्प है, डार्क ब्राउन हुआ है और वो खाते हुए हल्का सा सॉफ्ट एंड क्रंची सा वो आपको ना एक मज़ा करवा रहा है। इनका रायता ट्राई करते हैं, एक तो धनिया और साथ में ये एक मीठी मेरे ख्याल इन्होंने डाली हुई, खा के देखता हूँ। हाँ मीठी चटनी, अच्छी मीठी चटनी है, मतलब कबाब में फील ऐसे जिस तरह आप किसी ऑथेंटिक ढाबे का अगर कबाब खाओ, किसी रेडी का कबाब तवे पे फ्राई हुआ, वो वाली चीज़ है, मज़ेदार टेस्ट है। नान हैवी है, अंदर से अच्छा खासा भरा हुआ है, लेकिन मतलब वो डिफरेंट नहीं मुझे इतना ज़्यादा लग रहा है। हाँ एग्जैक्टली, मुझे मतलब ऐसे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि इसके अंदर जो है ना वो वाह यार कीमे वाला नान है, मतलब एक हैवी चीज़ है। हाँ, लेकिन वो जो मतलब लग रहा है कि एक चीज़ जो आके लगती है ना दिल को, वो नहीं है, वो मिसिंग है। आपको एक मीट के जायके आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं जिसमें कीमे वाला नान होता है ना गोए वाला, वो नहीं है, बस तुन दिए इन्होंने अच्छी तरह, वो एक अच्छी चीज़ है। आठ कबाब, चार कीमे वाले नान और साथ में सादा नान भी थे, कोल्ड ड्रिंक्स थी, तो हमारा टोटल बिल बना है जी 1460 रुपये, जिसमें से उन्होंने हमें 460 डिस्काउंट किया, 1000 रुपया लिया। और गुजरात में वीडियोस बनाई? हाँ एक बनाई। ये ऐसा मीसना है, ये साथ साथ फिर के वीडियोस बना रहा हूँ, बंदे को पता नहीं लगता ये बना रहा है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। तो गुजरात की वीडियोस, मतलब हसन ने भी अपनी एक ट्रेवल वीडियो बनाई है, तो वो आप लोग जाके हसन के चैनल पे देख सकते हो। गुजरात में मैं पहुंच चुका हूँ शाही गोलगप्पे खाने के लिए। असल में इस रोड के ऊपर ये काफ़ी लंबी एक रोड है, बड़ी खूबसूरत, अभी पीछे ये ट्रैफिक जैम होगी और ऊपर आपको बादलों का सीन, बड़ा ही रोमांचक किस्म का मौसम हुआ है, मुझे लग रहा है कि बारिश हो जानी है। शाही गोलगप्पे में खाने आए हो, पीछे भी एक दो दुकानें आई थी, लेकिन उनके शाही से पहले उन्होंने कुछ अपना नाम लिखा हुआ था, तो वो ओरिजिनल नहीं था। ये जो शाही असल है उसने सिर्फ बोर्ड पे लिखा हुआ है शाही और शाही गोलगप्पे इस तरह लिखा हुआ है। बड़ा अखीर, मतलब मैं 5-10 मिनट में खड़ा यहाँ पे देखता रहा हूँ, इतना यूनिक स्टाइल है इनके गोलगप्पों का। पहले जब लोग रिकमेंड कर रहे थे मैंने कहा यार ठीक है गोलगप्पे होंगे, यहाँ पे आके वो इतना आला किस्म का सीन है कि वो गोलगप्पों के ऊपर अंगूर भी डालते हैं, उसके ऊपर फ्रूट्स डालते हैं और एक रेड, बड़ी थिक रेड चटनी है, वो सारी ऊपर डालते हैं। भी पूछूंगा क्या क्या चीज़ें किस किस तरह से डालते हैं, मतलब एक फ्यूजन है ये फ्रूट चाट का और गोलगप्पों का। बड़ा हैवी सीन चल रहा है, भर के प्लेटें पाइन एप्पल ऊपर, उसके बाद अंगूर, उसके बाद वेजिटेबल्स, काफ़ी चीज़ें डाल के एक गोलगप्पों की हैवी सी प्लेट बनाते हैं ये, और मौसम बहुत आला हुआ है, अभी गोलगप्पे ट्राई करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, क्या हाल चाल है? सर मुझे थोड़ा सा बताइए गोलगप्पों के बारे में, गुजरात में कब से है, क्या खासियत है? शुरू से लगा रहे हैं हम, काफ़ी देर हो गई इनको लगाते हुए, ठीक है। इसमें फिर से ये बात है, एक डिफरेंट चीज़ है, डिफरेंट बनाते हैं, आम लोग जैसे गोलगप्पे बनाते हैं वैसे नहीं बनाते, डिफरेंट बनाते हैं, इसलिए वही ना। हम लाहौर से आए हैं तो हमें लोगों ने बताया कि गुजरात में ये बड़े ख़ास हैं, तो ये किस तरह है, ये स्टाइल कैसे सोचा आपने, क्या सीन है? सर स्टाइल बस जो हमारे उस्ताद थे उन्होंने ये सोचा था स्टाइल, उन्होंने बहुत मेहनत की है स्टाइल पे, कुदरती वो फ्रूट चाट बनाते थे उसका स्टाइल इस पर यूज़ किया, तो ये ज़रा जबरदस्त, मतलब ये फ्रूट चाट और गोलगप्पों को मिक्स सही सही। तो कितने साल हो गए हैं? तो काफ़ी शुरू से लगा रहे हैं। अच्छा ठीक, ज़बरदस्त, शुक्रिया। टोपियों का क्या सीन है, ये बड़ी ड्रेस है? ड्रेस है, हाँ जी सही है। क्या ले आई? ये ना उधर से पास था
सब भाजी सिंगल पैक। ये बॉयज मुझे मिले, क्या हाल है भाई? अपने अपने नाम बताओ। मेरा नाम हसनात अली है। मेरा नाम गुलरेज है। मेरा नाम शाजीब है। शाही गोलगप्पे आ चुके हैं और ईमान से ऐसे गोलगप्पों का स्टाइल मैंने पूरे पाकिस्तान में ना पहले कहीं खाया ना कहीं देखा है। तुम लोगों ने देखा या खाया हो? नहीं दोनों भाई, कैसा लग रहा है? पहली दफा देखा है, फ्रूट ऊपर डला हुआ है। इतना हैवी स्टाइल है, इतने कलरफुल गोलगप्पे नीचे, मतलब पूरे एक प्लेट में कितने, 12 हैं कितने? 12 काफ़ी सारे गोलगप्पे हैं। और उसके ऊपर ये डालते हैं इमली आलू बुखारे की थिक एक रेड चटनी इन्होंने बनाई हुई है, वो डाल के फिर उसके ऊपर ये दही डालते हैं, फिर एक बड़ी पूरा ओवरऑल ही बड़ा यूनिक है उसके ऊपर ये क्रीम डालते हैं जो कुकिंग क्रीम होती है, मुँह दिलाने वाली क्रीम नहीं, कुकिंग क्रीम ऊपर डाल के फिर उसके ऊपर ये अंगूर डाले हुए हैं इन्होंने, ये धनिया डाला हुआ है, पाइनएप्पल डाला हुआ है, काफ़ी चीज़ों का मिक्सर है, एक सही लीथल स्ट्रीट फूड है, बड़ा मज़ेदार ये। और अब इसको भाई खाना, ये इन्होंने हर टेबल के ऊपर जो है ना इस तरह जग रखे हुए हैं और खट्टा पानी ऐसे करके डालो, चिल मारो, जितना मर्जी पानी पियो, पहले तो पानी पी के देखूंगा मैं। ओह बहुत खट्टा, नहीं मतलब इतना ज़्यादा खट्टा नहीं, लेकिन अंदर वो मेरे ख्याल हरी मिर्च का, तू ना पी मैनू दस देना। पहला गोल गप्पा उठा के थोड़ा सा नरम हो गया क्योंकि मैंने बातें करते हुए थोड़ा टाइम लगा लिया। मज़ेदार गोलगप्पा यार, वो जो चटनी रेड डाली हुई आलू इमली आलू बुखारे की, इंतहाई मज़ेदार चटनी है, टेस्ट अच्छा है जिस तरह गोलगप्पों का होता है, बहुत ज़्यादा इन्होंने मसाले नहीं ठूसे हुए, अंदर जो है वो रेड बीन्स भी डाले हुए हैं और दही बल्लों के अंदर वो जो उसकी फुल्कियाँ होती हैं वो हैं, आलू हैं, वो मटीरियल है, साथ में गोलगप्पा खाओ, अंगूर खाओ, पाइनएप्पल उठा के, काफ़ी काफ़ी नहीं बहुत ज़्यादा काफ़ी यूनिक स्टाइल है, मज़ेदार। अभी थोड़े से ये ना नरम हो गए क्योंकि बहुत ज़्यादा फिल हुए हैं दही से, क्रीम से, क्रीम का बड़ा मज़े का टेस्ट आ रहा है, इन चीज़ों से थोड़े नरम हो गए। फ़ौरन खाने वाला है, मेरा ख्याल है हम एक प्लेट और मंगवाएंगे इसकी क्रिस्प लेने के लिए। वो आया क्रिस्पी वाला आया, ये चेक करो। चार अंगूर यार, ये गोलगप्पे की प्लेट ही है, ये आपको एक फुल हैवी पैकेज है कि आप उसमें फ्रूट्स का मतलब इमेजिन करके लगता है गोलगप्पे तो एक खट्टी सी चीज़ है, उसके साथ फ्रूट्स का क्या काम है, लेकिन ये खट्टे मीठे गोलगप्पे हैं, मतलब बहुत डिफरेंट है यार, इस तरह का सीन पहले ना कभी मैंने देखा है ना खाया, खट्टे मीठे गोलगप्पे, कार में पाइनएप्पल, अंगूर और जो चटनी रेड डाली हुई है, बहुत गेम उठा रही है यार, और सही में गुजरात की फील आ रही है, गुजराती स्ट्रीट फूड। कैसा लग रहा है वैसे अंदर होके बता थोड़ा? मज़े का लग रहा है इस तरह रोड पे बैठ के, और एक बस गोलगप्पों का ये क्या डिफरेंट एक्सपीरियंस है, और मिक्सचर ऐसा कभी भी नहीं खाया, फ्यूजन है फ्रूट्स का और गोलगप्पों का, काफ़ी इन्होंने साथ में बेसिकली चमचियाँ दी हैं क्योंकि इतना ज़्यादा वो हैवी एक प्लेट है, हाथ से मुश्किल है। हाँ मैं चमची से उठा के खाता हूँ इसको, ये चटनी इनकी बहुत मज़ेदार है यार। बेसिकली उन्होंने हमें बताया भी है कि ये फ्रूट चाट का काम था, फ्रूट चाट को गोलगप्पों के अंदर मिक्स किया उन्होंने, ये चम्मच में पूरा गोलगप्पा और ये गोलगप्पा गया पानी में, हाय 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 हाय, ओए मज़ेदार सीन। सबसे अच्छी चीज़ है कि टिशू के डब्बे अंदर बाहर रखे हुए हैं, पहले मैं सिंपली एक एक गोलगप्पा उठा के खा रहा था, ये चम्मच से खाने वाले गोलगप्पे उनको, क्योंकि साथ में फ्रूट्स पूरे, आपने अगर मज़ा लेना है एक गोलगप्पा पूरा फ्रूट्स के साथ उठाओ इस तरह करके और उसको प्रॉपरली डिप करके खाने का इसमें मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। खट्टी मीठी चटनी, अंगूर, वाह गुजरात की हवा में वाकई टेस्ट है, व्यापार नहीं टेस्ट है, मुझे तो रोक लोगे, इस टेस्ट को कैसे रोकोगे, गोलगप्पा डूब गया। अभी शाम हो गई है तो ये आपको धुएं उठते नज़र आ रहे हैं, बारबेक्यू का माहौल लगना शुरू हो रहा है। गोलगप्पे के साथ जब एक क्रंची सा ऐसे अंगूर आता ना और उसका फ्लेवर मुंह में आता, बहुत मज़े का सीन है। ये दो बॉयज हमें मिले हैं जी, क्या कहना चाहते हो? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उस्मान, उस्मान मेरा नाम है उस्मान, और ये है फैसल, फैसल माइक्स, हम भी एक यूट्यूबर हैं और मैं इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो इनको मैंने देखा है ये हमारे शहर में आए हैं गुजरात में, तो कैसा लगा आपको इधर? जबरदस्त लगा, मुझे भी खुशी हुई है,
तो इनसे हमारे चैनल का नाम है उस्मान टेक्निकल ब्लॉग, मेरे चैनल का नाम है उस्मान टेक्निकल ब्लॉग। अच्छा उस्मान टेक्निकल ब्लॉग भी? हाँ, यहाँ पे मैं ब्लॉग बनाता रहता हूँ फुल गुजरात की। मैंने ब्लॉग और मैं फैसल माइक से ये फर्नीचर की वीडियो बनाता रहता हूँ। जबरदस्त आप दोनों, आई एम चैनल आपका बहुत पुराना फैन। थैंक यू यार। ओके, अल्लाह अगली चीज़ के लिए भाई पहुंच चुके हैं ढक्की में। ढक्की एक इलाका है गुजरात के अंदर, ढक्की का दूध बहुत मशहूर है। ये एक एरिया है गुजरात के अंदर और यहाँ पे मतलब एक आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान फेमस यहाँ पे दूध है ढक्की का दूध, गुजरात की एक ख़ास तरीन चीज़ है। पहले मैं दोपहर को चेक करता रेकी कर रहा होता ना, जब मैं बीच में फारिग टाइम होता है तो पहले मैंने देखा कि इसी एरिया में वो सामने वाली साइड पे दो नई सी दुकानें हैं, पहले मुझे लगा वही हैं। फिर मैंने तला से पूछा, तला जो मेरा कज़न है वो पी के गया था अपने किसी दोस्त के साथ कि कौन सा है, उसने बताया गली में। फिर यहाँ पर लोकल से पूछा, उन्होंने बताया कि ये बारीक सी जो गली है इसमें वो कोने पर एक बड़ी ना कदीम सी दुकान है, कोई बोर्ड नहीं है कुछ नहीं लिखा हुआ, उसमें कदीम एक दुकान है पुरानी, उन्होंने एक बड़ा सा इस तरह वो कढ़ाया रखा हुआ है, उसके अंदर जो है ना वो खोया पकी जा रहा है, खोया बन रहा है, उसके बाद दूध गर्म हो रहा है, फिर गर्मियाँ जो है वो ठंडी हो रही हैं, वो बड़ा एक यूनिक स्टाइल है। अच्छी तरह से वो दूध को जो है वो बना रहे हैं, सीन हैवी लगा हुआ है। हैवी मतलब इस तरह की एक ही बंदा बैठ के बना रहा है लेकिन वो लोग इकट्ठे होते हैं, वो दो तीन गर्मियाँ इकट्ठी बनाता है फिर उन लोगों को सर्व करता है। अभी चेक करते हैं कि वो क्या क्या खेल रहा है अपने दूध के साथ। भाई जान क्या क्या डालते हो दूध में? भाई चीनी और नमक ठीक है, चार ग्लास बना दो हमारे। ये भाई ठंडा कर रहे हो इसको? है दुकान दिन का दुकान ढक्की का दूध फाइनली भरा को ला चुके हैं। और इस दूध को बनाने का मतलब सिंपल ही उनका तरीका है, गड़वी के अंदर मशीन सी लगाई हुई है, वो मशीन घूमती रहती है काफ़ी देर, तकरीबन 10-12 मिनट या 15 मिनट, वो उसके अंदर से अच्छी तरह दूध तरह काट दिए, चीनी और हल्का सा नमक क्या था हम डालते हैं और उसके बाद वो निकालते हैं। उसको गिलासों में डालने के बाद उन्होंने एक ना लिक्विड ही फॉर्म के अंदर खोया बनाया हुआ, वो खोया इसके अंदर एक एक दो दो चमचियाँ मिक्स करते हैं, उसके बाद ये दूध ठंडा या हमारे पास आता है। ओए होए ओए यार यार इंतहाई मज़ेदार दूध, मतलब ऐसा नहीं है कि दूध बहुत ज़्यादा थिक है, मतलब आपको ऐसे खींचना पड़ रहा है, बड़ा लाइट सा दूध है और बीच में छोटे छोटे इस तरह चंक्स आते हैं खोए के, हल्की हल्की सी मलाई आ रही है, मीठा सा टेस्ट है। ओहो हो बहुत ही रिफ्रेशिंग, ठंडा मीठा मज़ेदार, मज़े का है, मीठा मीठा है और ठंडा भी बहुत है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपली जो दूध होता है मीठा दूध वो है, लेकिन उसको जितनी देर उन्होंने घुमाया उसकी वजह से वो झाग वाला है, किसके अंदर फील जो है वो पूरी है, बड़ा लाइट सा ऐसे आपको मतलब ठंडा। हम काफ़ी लेट हो गए, मेरा ख्याल है कि थोड़ा 3-4 बजे बंदा पिए तो ज़्यादा मज़ा आएगा, काफ़ी मज़ेदार चीज़ है, वो बीच में खोया आ रहा है। अच्छा भाई, गुजरात की एक बड़ी मशहूर फ्रूट चाट है अलकरम की फ्रूट चाट, ये आपको उसका स्टॉल भी नज़र आ रहा होगा। मैं इस टाइम अलकरम फ्रूट चाट के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ लेकिन ऑनेस्टली मेरा फ्रूट चाट खाने के इस टाइम बिल्कुल दिल नहीं है, बड़ी हाईली रिकमेंडेड चीज़ है गुजरात की ये, तो अगर आप आओ, आप फ्रूट चाट के शौकीन हो, आप ट्राई कर सकते हो। मेरा इस टाइम फ्रूट चाट खाने का कोई मूड नहीं है तो मैं इसलिए यहाँ पे रुक नहीं रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी गोलगप्पों वाला सीन इतना हैवी हो चुका है मज़ेदार, तो अभी मैं फ्रूट चाट का कोई मूड है नहीं, हम आगे निकल रहे हैं। मैं दोबारा रेलवे रोड पे आ चुका हूँ, शाही गोलगप्पों वाली रोड पे, और इस रोड के ऊपर जो है ये कराची कढ़ाई है, एक इनके पास मटन कढ़ाई भी है और चिकन कढ़ाई भी है, लेकिन मैं माहौल जो मैंने देखा है वो मुझे मटन कढ़ाई का ज़्यादा कुछ लग रहा है कि एक सीन है, वो सिंपली उसको प्रेशर कुकर के अंदर बनाते हैं, प्रेशर कुकर के अंदर चीज़ें डलती हैं, वो प्याज वगैरह वो डलने के बाद वो चीज़ कढ़ाई में आ जाती है, कढ़ाई में फिर पकाते हैं तकरीबन 45-50 मिनट्स के अंदर ये कढ़ाई तैयार होती है। हैवी सीन वहाँ पे चल रहा है, जिस तरह आपका भाई नहीं पकड़ा जा रहा, इनकी कढ़ाई नहीं पकड़ी जा रही। अच्छा, इनकी सिटिंग जो है वो बाहर भी इन्होंने लगाई हुई है और ऊपर छत पे भी है, तो वो छत से जो है ना वो लिफ्ट नीचे भेजते हैं रोटियों के लिए, वो रोटियाँ उसमें रखते हैं और वो ऊपर जाती है, मैं दिखाता हूँ आपको। चल भैया कई रोटियाँ यार, हैवी सीन है रोटियाँ ऊपर भेजने का।
ये इस तरफ मटन सारा लटक रहा है, आप अपनी मर्जी से मटन जो अच्छी जगहों पे जिस तरह आप जहाँ सही कढ़ाई होती है वहाँ यही ऑप्शन होती है कि आप अपनी मर्जी से बताओ मुझे ये मटन का पार्ट चाहिए और वो कट जाएगा। क्या हाल है भाई जान? इस टाइम कौन कौन सा रान पड़ी है? रान कर दें। हाँ भाई ने करवाई है रान ऐसे फ्रेश। अब इस तरफ सारी कढ़ाइयाँ बन रही हैं, इस तरफ ये सारे प्रेशर कुकर लगे हुए हैं। अच्छा खासा इनके किचन का सीन हैवी माहौल इन्होंने बनाया हुआ बड़े मज़े से। जो है ना पहले जो है वो प्रेशर कुकर के अंदर जाती है, लाइन में प्रेशर कुकर लगे हुए हैं, फिर वो आती है कढ़ाई में, कढ़ाई में फिर हैवी सीन बनता है। अभी हमने अपना ऑर्डर दे दिया है, वो अब रोटी वाला सीन बड़ा मज़े का, ऊपर से टोकरी आती है, रोटियाँ रखते हैं, वो रस्सी को खींचते हैं, रोटियाँ ऊपर, दो मंजिलें ऊपर है, मैं भी ऊपर ही जा रहा हूँ। ये किसी और को नहीं बताना। हम लोग छत पे बैठे हुए हैं, तकरीबन 45 मिनट्स के बाद हमारा खाना आया और ये छत पे ये नीचे इस तरह हमें गुजरात का जो है वो माहौल नज़र आ रहा है पूरा। पीछे एक रोड की पूरी वाइब है, गुजरात की मटन कढ़ाई मेरी आ चुकी है, एक किलो रान मैंने करवाई है और यकीन करो कढ़ाई आके उन्होंने रखी है, ऐसे खुशबू एक चढ़ी है बड़ी मज़ेदार। साथ में इन्होंने हमें रायते दिए हुए हैं, गर्मा गर्म रोटी जो लिफ्ट से ऊपर आती है, ये मेरे साथ ही बंदा खड़ा हुआ है, ये इसको नीचे फेंक के वो मंगवाता है। अभी मैं खाऊंगा, ज़रा गर्म गर्म ही खा लेते हैं ताकि ठंडी ना हो जाए। ओहो हो हो, छोटे छोटे इन्होंने पीसेस किए हुए, अभी बहुत ही गर्म है यार, बहुत ज़्यादा गर्म है। वेरी टेंडर एंड स्पाइसी। नली उठा के यार मसाले मज़ेदार हैं, प्रॉपर काली मिर्च के अंदर बना हुआ है और मीट इतना सही गला हुआ है, मतलब हल्का सा उसको मैं तोड़ रहा हूँ और वो टूट रहा है। हाँ नली आई भाई, खाली प्लेट। अभी उठाएंगे एक पूरी बोटी, अच्छी खासी गर्मा गर्म है, स्पाइसेस थोड़े से ज़्यादा हैं, मतलब एक एक मिर्च लगती है एकदम से। ग्रेवी अच्छी है, ठीक एक मटन कढ़ाई है, ऐसा फ्लेवर एकदम से वो जिस तरह होता है एक वाइब होती है मटन कढ़ाई, उतना एक एक्सट्रीम किस्म का एक सीन नहीं है। अच्छा रान के ये सारे पीसेस जो है ना वो ऐसे प्रॉपरली बर्फ़ी कट है और ये इतना इतना नरम हुआ है, इतना ज़्यादा नरम भी वैसे ठीक नहीं होता, वो टेस्ट को थोड़ा सा मार देता है, थोड़ा सा मतलब कोई मुझे लगता है 5-7 मिनट एक्स्ट्रा गला हुआ। लेकिन एक अच्छी मटन कढ़ाई है, मीट जो है वो मुँह में जाके घुल मिल के निकल जाता है, कोई ख़ास समझ नहीं आ रही, मिर्चें काफ़ी हैं। कढ़ाई ने जब ली है ना 40-45 मिनट तब मेरी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी ऊपर चली गई थी, थोड़ी सी वापस डाउन आ गई, एक नॉर्मल मटन कढ़ाई है, काली मिर्च वाली, काली एक्स्ट्रा मिर्च वाली। अच्छा तो भाई ये था हमारा गुजरात का वन डे ट्रिप, गुजरात के अंदर हमने जो भी मज़े की चीज़ें खाई, बड़ा मज़ा आया मुझे गुजरात में, एक अच्छा शहर, अच्छे खाने, अच्छे एक्सपीरियंस। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, वीडियो पसंद आई हो तो मस्त लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, कुछ भी दिल करें भाई को तो हमें याद रखना और इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्त है। अल्लाह हाफिज़। अगला मैं यहाँ से गुजरात के बाद कहाँ जा रहा हूँ ये आप लोग गेस करो।